स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी सढ़ौरा नगर पालिका चुनाव में खुलेआम भाजपा के विरुद्ध उतर गई है। उनके द्वारा 6 निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया गया है, जबकि ये 6 निर्दलीय उम्मीदवार कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जेजेपी की प्रदेश महासचिव डॉक्टर कुसुम सेहरवाल एवं SCCL के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सेहरवाल सढ़ौरा पहुंचे और उन्होंने वार्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 11 के प्रत्याशियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उनके पक्ष में घर घर जाकर चुनावी प्रचार भी किया। हमारा कोई गठबंधन नहीं है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है और जननायक जनता पार्टी यहाँ पर अपने 6 उम्मीदवार उतार करके अपना चुनाव अलग से 6 उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। बीजेपी अपना चुनाव लड़े, जननायक जनता पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों के माध्यम से समर्थन देकर के चुनाव लड़ रही है। तो 4 नंबर वार्ड में श्रीमती सुनीता जी हमारे बीच में ये हैं, बहन जी खड़ी हैं, बड़ी ईमानदारी है, कर्मठ है, लगनशील है, मेहनती है और बहुत सोच समझ करके आपके बीच में उम्मीदवार बनाया गया है। ये आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। मेरा आपसे आग्रह है, विनती है कि आप बहन सुनीता देवी जी को, सुनीता रानी जी को बड़ी भारी मतों से यह बस ताकत भेजें, इसी के बारे में कोई भी प्रचार में उभरा ना हो। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जजपा के प्रदेश महासचिव पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुसुम सेहरवाल जी। सेहरवाल जी, आपका स्वागत करते हुए पूछना चाहूँगा, आज इस सढ़ौरा के वार्ड नंबर 4 में आप किस प्रकार से, किस का प्रचार करने के लिए आप आए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्टेट न्यूज 71 का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आपके माध्यम से हम चर्चा में भी बने रहते हैं। जी। तो आज मैं सुनीता जी के लिए वार्ड नंबर 4 में आई हूँ प्रचार के लिए, क्योंकि ये हमारी समर्थित कैंडिडेट है। जी। हमारा यहाँ पर समझौता नहीं है, क्योंकि नगर पालिका में कोई समझौता नहीं था और हमारे साथ एक तरह से मैं कहूँगी कि धोखा भी हुआ है। ठीक है। कि रल मिल के जब हमारा ऊपर गठबंधन है तो सबको बैठ के हर बात की चर्चा होनी चाहिए थी और तभी उम्मीदवार उतारना चाहिए था। जी। लेकिन हमने बहुत देर तक इंतजार करने के बाद ये देखा कि बीजेपी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी। तो जो हमारे यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट थे तो हम लोगों ने अपना मन बनाया कि आदरणीय अशोक सेहरवाल जी ने भी और जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं दिलबाग नैन जी और हल्का के प्रधान हैं संजीव संधू जी, सभी ने मिलकर के मन बनाया कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं हम इनको अपना समर्थन देने के लिए, जो हमारे 4 नंबर वार्ड से सुनीता जी हैं इनके समर्थन देने के लिए मैं इनके बीच में आई हूँ और इनका उगता सूरज निशान है। तो मैं ये चाहूँगी और अपील भी इनकी तरफ से करूँगी हल्का सढ़ौरा वासियों से, 4 नंबर वार्ड से, कि जो भी समस्याएँ हैं 4 नंबर वार्ड की, हम सरकार में हमारी 10% की हिस्सेदारी है और हम यही प्रयास करेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी से जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, नली नाली की, गलियों की, सड़कों की और खासतौर से नदियों के बारे में भी, अभी यहाँ नदी पानी की बात करी जा रही थी कि बारिश का पानी जो है ओवरफ्लो होकर के आ जाता है, तो उसके लिए भी हम दुष्यंत चौटाला जी से आग्रह करेंगे और जो भी यहाँ की ग्रांट आएगी हम इनको पूरा का पूरा दिलवाने का काम करेंगे और पूरा काम करवाने का भी प्रयास हम इनके साथ रल मिलके करेंगे। यहाँ पर भाजपा के नेता तो यही कह रहे हैं कि हमारा समझौता है, हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे चेयरपर्सन का, चाहे सभी वार्डों का, हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है? नहीं, हमारा यहाँ हल्का सढ़ौरा में इनके साथ कोई समझौता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव के लिए इन्होंने समझौते की बात आई थी तब भी इन्होंने हमारे नेताओं से पहले बात नहीं करी थी, जब बातचीत दोबारा हुई तो इन्होंने 4 सीटों पर सिर्फ समझौता किया है और कहीं पर भी कोई भी समझौता नहीं है। सब अपने आप जो हल्का में जो नुमाइंदे हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप ही समर्थन को भी देना चाहते हैं, उन्होंने अपना डिसीजन अपने आप लिया है। यानी 6 वार्ड हैं कुल, 3रा 4था 5वां 6ठा 7वां और 11वां। हाँ जी। इन 6 वार्डों को आपने समर्थन दिया? बिल्कुल हम 6 वार्डों में समर्थन दे रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इन पे निर्दलीय उम्मीदवारों को इनका समर्थन कर रहे हैं और इनको जिताने का हमारा 100% हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये 6 के 6 उम्मीदवार जो हैं ये जीत करके जननायक जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट बनेंगे और आने वाले समय में जो भी हल्का सढ़ौरा का विकास नहीं हो पा रहा है वो हम करवाने का पूरा पूरा काम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 4 में श्रीमती सुनीता देवी का समर्थन करने के पश्चात
डॉक्टर कुसुम शेरवाल व अशोक शेरवाल व उनकी पूरी टीम वार्ड नंबर 3 में गए और वहां पर उन्होंने श्रीमती सुषमा रानी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। शेरवाल जी, आज वार्ड नंबर किस वार्ड में आप आए हैं? वार्ड नंबर 3 से। वार्ड नंबर 3 से हमारी मैडम उषा सुषमा रानी जी खड़ी हैं। आज मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से इनकी इनका समर्थन करने के लिए आई हूं, क्योंकि आज हमारा कहीं पे भी इसी के साथ सडोरा में कोई समझौता नहीं है, क्योंकि कई जगह ये प्रचार हो रहा है कि बीजेपी का और जेजेपी का समर्थन है, लेकिन मैं साफ तौर से बता देना चाहती हूँ कि हमारा किसी के साथ कोई समर्थन नहीं है। जो हमारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे सुषमा जी यहाँ से खड़ी हैं, तो हम इनको जेजेपी की तरफ से अपना समर्थन दे रहे हैं। और आप लोगों से सभी से अपील करती हूँ वार्ड नंबर 3 से कि आप सब ने मैडम को जिताना है यहाँ से, इनका हवाई जहाज का निशान है, तो आप सभी से मेरी अपील है कि इनको 19 तारीख को आप लोगों ने जहाज के निशान पर वोट डालकर इनको जहाज पे चढ़ा देना, ठीक है, ताकि ये आपके हल्का सढोरा का विकास कर सके। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन दिलाती हूँ कि जो भी यहाँ आपके विकास कार्य हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे तकरीबन आठ साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे हल्का सढोरा में घूमते हुए, और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी हूँ, पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था, तो मेरे को यहाँ की हर एक गली नाली, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या और जितनी तारों की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, वो मैं बखूबी अच्छी तरह जानती हूँ। और आप लोग सुषमा जी को यहाँ से जिता करके भेजो, ताकि मैं इनका आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की से इनको जाकर के मिलवाऊं, और जो भी इनकी ग्रांटें आएंगी, जो आपके विकास कार्य रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को पूरी तरह से इनके माध्यम से करवाने का काम करेंगे। और आप लोगों से मेरी यही बेनती है कि सभी, ये खाली सुषमा जी का चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है। आप जितनी भी महिलाएं हैं, अपने आप को सुषमा समझ करके गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में निकल जाओ, और आप लोग मैडम के लिए अपील करो कि इनको यहाँ से जिताना है हमने और अपने वार्ड का विकास करवाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी सढ़ौरा नगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसका कितना नुकसान भाजपा प्रत्याशियों को होगा या फिर कितना लाभ जजपा के इन समर्थित प्रत्याशियों को होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक अच्छा संदेश लोगों के बीच नहीं जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा और जजपा के गठबंधन के बीच में क्या कुछ हो सकता है, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। ये थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।